कारागार के चौकीदार जी, की नाम भेलै अपनेके सर? रमेश कुमार सिंह। अपने कहिया एलियै एहिठिमन जेलमे? जेलमे 9 साल 8 महीना होलै। कोन मुद्दामे आयल रही अपने? कर्तव्य जेल। कथी भेल छै अपनेके ठहर? 20 साल। 20 साल भेल छै? अच्छा, अहाँके ई जेल भीतरमे कैदी बन्दी सबके, थुनवा सबके की समस्या सब भोगऽ पड़ि रहल छै? जेना 135 के क्षमता है, अभी 546 आदमी है। 135 आदमी के लागि टॉयलेट बनल रहले, बाथरूम सब, धारा सब, कल सब, टोटल 135 आदमी के उपभोग्य करे वाला अभी 546 आदमी कर रहले। तो सुते के लागि पालो पालो सुती छे आदमी सब, जेना एक लट सुतल 6 घंटा, दोसर लट फिर 6 घंटा, 4 गो रूम में एहन समस्या है। आ टॉयलेटो लंग जाए पैसेज में वही कैदी बंदी सब सुत रहले, चले के जगह न है, घूमे के जगह न, फिजिकल करे के, जेना एते केकरो 10 साल 15 साल मुद्दा रहे छे, तनका मेंटालिटी प्रॉब्लम तो होबे करे छे, फिजिकली भी आदमी स्ट्रांग रहे के चाहे छे, उहो सुविधा न है। 6-6 घंटा कहले सुती छी, केना नहीं बुझली बात? एकटा रूम में के आदमी रहे छी अहाँ सब? कोनो रूम में 50 आदमी, कोनो रूम में 60 आदमी। तो वही में अभी 50 गो जगह में 90 आदमी है, तो 90 आदमी तो पैरों रखे वाला जगह न हो। रूम कते नंबर रहे छी? रूम जेना मानू न, हमने के 15 गो, जम्मा 13 गो रूम है। तो एगो तिरपाल के, तिरपाल दे के रूम बनैले छे, तिरपाल के अति शीत सब छे के, आ एगो अपने ईटा दे के रूम बनैले, तो 13 दू 15 गो रूम होले। 15 गो रूम में यहाँ के ज्यादा से ज्यादा 200 आदमी से 250 रह सकी छे, अभी 546 आदमी, ओहिला पालो पालो सुती छे आदमी सब। रात में जगे छे लोग? रात में जगे छे लोग सब। दिन में सुतल कते आदमी? कते आदमी रात में सुतल, दिनों में सुतल। आ सुतल में कते एक आदमी, एक एक बेर कते, एक लॉट में कते सुते छी? एक लॉट में आके 350 आदमी सुते छी। तो सुतल के समस्या सबसे बड़का समस्या भेलै। तो ई अखन जेना जाड़ छलै, अखन शीतलहरी छलै, भऽ गेल आब अखन एक दिन से रौद उगलै, तऽ एहन जाड़ में केना व्यवस्था करै छी? एहन जाड़ में हम तिरपाल आन देले छी, जेलर साहब के सामने कह के तिरपाल आन देले छी। केना तिरपाल छै? तिरपाल यहाँ 6 गो तिरपाल है। तो तिरपाल ओढ़ा के माथि ऊपर राखि के? हाँ, तिरपाल खुले में रहै छी, ऊपर माथि में तिरपाल, खुलो में रहै छी, छत पर, तिरपालो में रहै छी, छत पर तिरपाल टांग के खुला में। हाँ, आ टॉयलेट के, जेना टॉयलेट करे के जगह है, वही वो तिरपाल रख के भुइया में सुती छे आदमी सब, चले के रास्ता में, टॉयलेट के आगा में, नीचा में, भुइया में, भुइया में वही वो आदमी सुती छे तिरपाल रख। टॉयलेट केना करै छे पैसा पालो पाली? तो आदमी उठ जाय छे आदमी 3 बजे। तीन बजे उठ, टॉयलेट करे ले 3 बजे उठे पड़ै छे? 3 बजे उठे पड़ै छे रात में। तकर बाद तब ओकनी के 6-8 बजे 10 बजे तक आदमी सब खत्म। बहुत जोर से दिशा लागल रहै त पालो दे दै छे कैदी बंदी सब, जेना अहाँके जोर से दिशा लागल है तो दोसर आदमी सब जाय घट गेल से, हमरा इमरजेंसी है, हमरा जाय दू कहै छै, तब ओकनी सब गेल। अच्छा, ई तऽ भऽ गेलै टॉयलेट के। आ पीबे वाला पानी, खाना साना केना बनै छै भीतर? जगह छै कि नहि होतै? फेरो खाना के लागि जगह, जेना पहिले 135-200 आदमी के लागि 12 गो मेस रहले, अभी 42 गो भनसा है, अपना इच्छा से खाइ छै आदमी, अकेले खबी तैयो मिलती, लेकिन जगह पर्याप्त न होला के कारण ओहो अभी पॉसिबल न है। तो भेलै बीमारी सबके केना की होइ छै? बीमारी भऽ गेल तऽ आदमी ओते आदमी जहन कुछ कुछ कऽ रहै छी, सबसे बेराबेरी जगै छी, तऽ बीमार तहन तऽ हेतै आदमी? बिरामी बहुत ही चाप के कारण छै, जेना अभी जड़ाइ बीमार कम हो गेलै, अभी एलर्जी के जड़ाइ, एलर्जी होइ के कारण की है, टॉयलेट गंदगी, आ पर्याप्त टॉयलेट न है, एनी टाइम यूज होल टॉयलेट, आ फोर के कारण छै, जगह मतलब पर्याप्त न रहतै तऽ जगह कम रहला से तऽ ऊ होबे करतै समस्या। भीतर में कैदी बनी सब केना के समय बीतबै छथिन? किछो नहि सुविधा, हम 2 गो कैरम जेलर साहब के सामने कह के 2 गो कैरम बोर्ड हम आज जेलर साहब मिल के आन देले छी, अभी वही में पालो पालो करी छी आदमी खेली छै। उहे और कोनो पढ़ लिखा वाला चीज सब छै कि नहि? पुस्तकालय सब, किताब सब, टीवी सब है, टीवी टीवी है। अच्छा, कोनो उद्योग अहाँ सब काम धंधा करै छी कि नहि? अहाँ सबके विभिन्न समय में तालीम सब दैत रहै है? दैत रहै छी, जगह रहे, जगह यहाँ पॉसिबल हो जगह के, मुड़ा कारखाना खोल दी, गलैचा, ढाका के, टोपी के, पोते के, ये सब जेले से काम होइ छै, हरेक जेल में प्राय ई काम सब। अहाँ सबके जेल में करै छी कि नहि करै छी? अहाँ सब जगह नहि होइ के कारण से संभव नहि, आमदनियो नहि होइए, कामो नहि होइ छै, कामो नहि, ओहिसँ 2 रुपया आमदनी होइ तऽ सेहो नहि भऽ रहल छै, सेहो नहि भऽ रहल। अच्छा, खेनाइ के अहाँ सबके की सुविधा भेटैए? खेनाइ हमनी के 1800 रुपया प्रतिदिन, 60 रुपया सरकार दै छै महीना के, 1800 दै छै, ओही से अहाँ के दोसर जेल में हीटर के अति सुविधा है, जारन के ठाउँ में हीटर, हीटर के सुविधा है। ई जेल में जरना किन के लावे पड़ै छै, ई न मतलब सीधा यहाँ सरलाही बीरगंज बहुत एहन जेल है अपन तराई के, कि जरना किन के लावे पड़ै छै, तऽ ओहि के ओहिसे कथी होइ छै, तनका अच्छा खाए वाला जगह में ओ पैसा तऽ जरना किन के लावे पड़ै छै, ओहि में कटौती होय जला होला के कारण तैयो खाना अच्छे है।
1800 रुपये में पुग जाए छे कि लोग घर से मंगावा पड़े लेकिन घर से मंगावे पड़े छे सबके दिन घर से मंगावे छे पैसा मंगावे छे अपन वही पैसा में थप के अच्छा से खाई छे। अच्छा अहाँ चौकीदार छी बहुत जेल में बहुते बात अबै छै चौकीदार सब के त बड़ प्रश्न उठै छै जे बाहर जाके त अहाँ सब के पुलिस संगे जाय छी त कहता है लेकिन चौकीदार सब के त बहुत रंग के रंग बिरंग के व्यापार क देने छै खैनी दारू गुटखा गाजा सिगरेट ई सब बेचै छै भीतर लगा के से आरोप चौकीदार सब पर विभिन्न जेल में लागि रहल छै सच सच कहू अहाँ के खैनी पराग गुटखा सिगरेट के नेपाल में टोटल 76 गो जिला में लगभग अहाँ के 84 गो जेल है 84 गो जेल में मोहतरी कारागार लेखन जेना खैनी सिगरेट सब बैंड है कोनो जेल में नहीं नेपाल अधिराजभर में अहाँ कहूँ बुझ सकी अहाँ के बैंड सीट में इस जगह बैंड है खैनी गुटका जे आदमी के इच्छा है वही में कोई प्रतिबंध नहीं दारू सिगरेट सब नहीं दारू सिगरेट बंद है दारू बंद है दारू गजा लागू औषध धूलो टीटी हिरोइन र अहाँ के जे टैबलेट नशा दे ऊ सब बंद है लागू पदार्थ पूरे सेवन बंद है खैनी सिगरेट गुटका ये नेपाल अधिराज्यभर जेल में पूरा खुला रूप से रोक टोक नहीं हुई के लागी लेकिन हमर मोहतरी कारागार में ये बंद है। अहाँ के व्यापार में कते कमाई भाई छे कदी कदी व्यापार करी छे हमनी के व्यापार के कमाई कम तो 45 रुपया चौकीदार के तलब है नाइके महीना के 45 रुपया है नाइके के 35 रुपया अब ये कहू तलब अब ये जमाना में 45 रुपया तलब है चौकीदार तो लोग चौकीदार बोले मार करे छे सोर्स पर भी लगबे छे खूब सुविधा खाली बाहर निकलो पबिस बाहर निकले के पबिस जेलर साहब जोरे ऑफिस सब जोरे टाइम पास होय छे कोनो सीख मतलब बुझी छे अनुभव होय छे बाहर घूमी छे कभी काल बाप मतारी आयल आराम से साथे खाए लग पबी छे अब देखो इहो खाए के सुविधा में कथी अभी नेपाल के यहाँ के 54 गो जेल में कोनो भी यहाँ के घर परिवार के आदमी अभी से भेटघाट करे तो बाल बच्चा साथे रह के खा सकी छे बहुत जेल में सुविधा है हम खुद 2-4 गो जेल बैठली घूमली चलैलू छी हरेक जेल के अनुभव है तो बाल बच्चा के इच्छा जाहिर घर परिवार के अथी से बाल बच्चा अभी से तो साथे खाए छे कई भी सबके प्रजनन अधिकार छे प्रजनन अधिकार प्रजनन माने बुझली ने श्रीमती संगे सुत पाती से अधिकार सर्वोच्च अभ्यास केने छिए सर्वोच्च फैसला कैले है कि आफ्नो श्रीमती संग जेल में कुनै व्यवस्था भयो हैन एउटा रूम व्यवस्था भयो भने श्रीमती संग सर्वोच्च कानून पारित हो गेली सर्वोच्च आदेशो दे देले आसको सुविधा नहीं भेटले व्यवहार में लागू नहीं भेटले व्यवहार खाली आदेश फैसला भेल छे आसको सुविधा में लागू न भेल छे प्राप्त नहीं किया न पहले छे हमनी सब नेपाल में कतौ नहीं की अहिसम कतौ नहीं कतौ नहीं कतौ नहीं। अच्छा अब खुल रहल यो ऑन जेल सब तब चौकीदार सब मार्फत कैदी बंदी सब के जेल सरुआ के लिए व्यापक आर्थिक चलखेल कैल जाए छे जेलर साहब सब के पैसा देल जाए छे चौकीदार साहब सब पैसा खाई छे कैदी बंदी के चौकीदार भाई नाइके नाइके दाई नाइके के सब रहै छे सब से आरोप से विभिन्न समय में लगैत रहै छे अहुठमन तो अहिना करते हेबे ने जकरा सरुआ तरुआ जाय आब के अहाँ सब पैसा कमाइत हेबे ने लैत हेबे ने देखो ई जेल में कथी ई जेल में बड़का समस्या ई जेल में सीधा जेल में है ना हमनी दू गो जेल में जी जी जेना हमनी चौकीदार सब कोऑर्डिनेशन क के बात विचार अपन कमी कमजोरी गलती सब समझित रही छी बुझैबो करी छी बुझबो करी छी तो चलानी के की होई छी अहाँ के घर पाए जेना केकरो मुद्दा चल रहल है ना ओकरा मुद्दा में कोनो समस्या होले तो अग्निशम माग करी छै हमर घर पाए जगह में हमरा भेद दू कह के जेलर साहब लग जेलर समक्ष निवेदन दै छै तो ओहि में की होई छै अहाँ सब रास्ता में जाइ छी अपन व्यक्तिगत खाना पीना खाइ छी लेकिन सरकारे से सब कुछ अबै छी ओहि से ज्यादा कपड़ा लता एमर ओमर किनलो तो व्यक्तिगत होइ छी न तो टोटल गाड़ी भाड़ा से लेकर ई सब कुछ सरकारे बेवरी छी एहि में आर्थिक चलखेल किछो न होइ छी जेल प्रशासन से आ चौकीदार से आंतरिक प्रशासन से किछो चलखेल न होइ छी जी एकटा बात आउरो माफी मिनाहा करबाब के लेल सेहो अहाँ सब बड़ पैसा तैसा लै छियै जेलर साहब सब पैसा लैत रहै छथिन जे सम्मानीय राष्ट्रपति जी करै छथिन ने गणतंत्र दिवस दिन अथी दिन ओहू में मारते अहाँ सबके आर्थिक कमाई होइ छै से आरोप छै बाहर में ई बात में एगो बात हम कहब जेना नाइके प्रमाण पत्र लेबे के लागि है ना नाइके प्रमाण पत्र लेबे के लागि अब जलेश्वर से कोई काठमांडू जति विभाग में कारागार व्यवस्थापन विभाग में तो ऊ आदमी गाड़ी भाड़ा लेते कि न 500 के जगह में 1000 रुपया जरूर लेते तो आंतरिक प्रशासन के जे सेवा सुविधा है नाइके प्रमाण पत्र के भाई नाइके के 1 महीना मिली छे नाइके के 1.5 महीना मिली छे अहाँ कहली चौकीदार के बने के लागि आदमी जोड़ करी छे चौकीदार बने के लागि एहि ला जोड़ करी छे चौकीदार के साल में 2 महीना छूट मिली छे इहे सब के कैद मिनाहा करे के लागि
जेना 12 महीना के 1 साल हो चौकीदार के 10 साल में 10 महीना में 1 साल हो सब में कोनो ओहन बात सब नकारा। आंतरिक सुरक्षा केना व्यवस्था केने छी अहाँ? आंतरिक कारागार नियमावली धारा ख बमोजिम आंतरिक प्रशासन भाई नाइके नाइके है दाई नाइके सब चौकीदार चौकीदार निर्देशन चौकीदार के जेलर साहब निर्देशन दिल अब चौकीदार भित्री निर्देशन आंतरिक प्रशासन के निर्देशन दे जेना 24 घंटा ड्यूटी हो हमनी के जेल में 10 गो नाइके करी 24 घंटा दिन में 6 गोरा करी रात में 10 गो नाइके ड्यूटी करी कोई भी तरीका के मारपीट बड़ मारी छी कहाँ एको अहाँ नाइके भाई नाइके सबके दादागिरी चलै छै एकदम नया नया जे आयल जेल में तक खूब पहले ढोलैया के स्वागत करै छी। बात कहै छी बात केना है कोई भी व्यक्ति अभी छी जेल में जेल में हरेक नेता हरेक मंत्री के आदमी अहाँ तनका डोज न देम तनका अच्छा से न समझायम त यहाँ हरेक गुंडा सब है सब रहे गुंडा केकरो न मानत न टेढ़ एक के परिणाम की होत विद्रोह जोन पड़तै वही से मारती पीड़तै शासन चलते यही ला कारागार नियमावली धारा 13 ख बमोजिम ये बात सब अपनैले कि नाइके भाई नाइके दाइके को दाई नाइके को निर्देशन में चलनी दाई नाइके र आंतरिक प्रशासन टोटल चौकीदार को निर्देशन में चलनी यही से न सब व्यवस्था नियम अनुशासन मेंटेन करी छै। आइसे 4 साल पहिले देखू ने दे कोले के लेल कथि ले हैंडल ले माइक ले बोल यहां देखू सिंधु के घटना देखू काठमांडू के घटना होइते रहै छै अभी नखू के घटना देखू दिल्ली बाजार के घटना देखू झुमका के घटना देखू त ई सब की होइ छै इहे डोज के कारण जेकरा डोज न देम तनका मतलब नियम से रूल्स में जो क्राइटेरिया भित्री न रखम उ विद्रोह होबे करते ओई के लागि तनका डर आवश्यक है तनका धमकी आवश्यक है इतने ये बात सब न रहते तो जेल न चलते मारपीट हो जाती मरते आदमी खून बहते यही सब के लागि आंतरिक प्रशासन नियुक्ति होइ छै चौकीदार नियुक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। एकटा बात और जेल में अयला के बाद आदमी जेल के कहे छे कते लोग सुधार गृह लेकिन यातना गृह बन गेल छे अपराध के कारखाना बन गेल छे भीतरे से और अपराध सब होई छे से बाहर बहुत जबरदस्त चर्चा छे प्रमाणित भेल छे कए बेर प्रमाणित अयला भेल छे जेना आदमी के देख के सुविधा दियो कोनो आदमी कोनो मंत्री के आदमी है तो मंत्रियो जी सब ई न करू कि आदमी के हरेक फैसिलिटी हमर आदमी कह के फोन न करू है ना जे नियम है जेल के जे जेल प्रशासन के नियम है वही नियम में रहे पड़ी छे लेकिन वही तरीका के चल खेल जेना जेले से अपहरण होए मारपीट होए ये सब चल खेल हमनी के जेल से न होए छे कदापि ओहन पायल जाती तो वो आदमी के तुरंत तो सुधार गिरी छे कि नहीं हमसे बुझा लो अहां के जलेश्वर सुधार गिरी छे कि अपराध के कारखाना छे। देखो बात टिप्पणी होइ छै अपराध के कारखाना लेकिन ई बात तो सरकारों के सोचे के चाही 135 के जगह में यहाँ 600 आदमी रख दे तो ओकरा कोन सबसे यहाँ सुधार गृह कहम। अब जेना मैले जे थुना में आयल छी मात्रे थुनुआ में मात्रे आयल छी जेकरा ठहर नहीं भेल छै तेकरो अहाँ ठहर भेल संगे रहते जे अहाँ पक्का पक्की क्रिमिनल छी। पॉइंट है जेना मुद्दा बनायल आदमी के अलगे रखे पड़े पूर्व पक्ष जरा अनुसंधान में रख लियो ओकरा अलगे रखे पड़े तब ना मेंटालिटी मैच अपराधों के कैटेगरी अलग चोर के होते 100 रुपया चोरा के ले तक के लोग गए छी 10टा मर्डर कर दिस तक के ठो रखबे त लेकिन आइ तक ले देखू ना नेपाल में हमहु एगो नया बात पहली जलेश्वर कारागार में आके एगो रेड बुल चोराए वाला आदमी के पूर्व पक्ष डाल दे छी रेड बुल एगो चोराए वाला आदमी हम तो बहुत कानूनी किताब सब पढ़ ले छी हमरा न लगे छी कि रेड बुल चोराए वाला आदमी के पूर्व पक्ष अपहरणकारी सब जोड़े रहे डकैत सब जोड़े रहे डाका सब जोड़े रहे तो मेंटालिटी केना होते चेंज होबे करते मनसाय मेंटालिटी सोचन शक्ति। अच्छा हम कतक देखलिए जेल से निकल के जाए फिर जेल अब ई अहाँ के हबे अहाँ के 100% में 4 से 5% हम देख ली जोन आदमी लॉन्ग कैद काट के जाए है ना उ सब के हम न देख ली आज तक ले दोबारा अभी हमरो 9 साल 8 महीना हो गई जेल में है ना अब जेना एहने आदमी अभी जी रेड बुल चोरा के अले उ तो 2-3 महीना में छूट जाते 4 महीना में उ फिर बिहान के दिन में हथियार बोलते हथियार केस में अली 1 साल रहते बिहान फिर उ अपहरण में होते तो मन बढ़ावे के कारण अहा हमर जिम्मेवारी पद के आदमी सब के कारण से घटना हो रही दोबारा आवे के गलती उहे व्यक्ति के न है यही में विभागीय पदीय आदमी सब के भी कमी कमजोरी है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।